हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। प्रदेश सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दी है। मंगलवार सुबह 6:46 पर हनीप्रीत सुनारिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हुई। एक गाड़ी में हनीप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोड़ा, जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम, एडवोकेट हर्ष अरोड़ा और डॉक्टर पीआर नयन थे। पुलिस सुरक्षा में राम रहीम को जेल से यूपी ले जाया गया। वहीं यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। ऐसे में 11 साल में यह पहली बार होगा जब आसाराम जेल से बाहर आएगा। उसे इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर यह फरलो और पैरोल होता क्या है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। पैरोल और फरलो वर्ष 1894 के कारागार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पैरोल कैदी के जेल से आने की एक व्यवस्था है। इसमें कैदी की सशर्त रिहाई होती है। यह आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं है, यह कैदी का विशेष परिस्थितियों में दिया गया एक नियम है। इसमें इलाज, परिवार या सगे संबंधियों की शादी या मौत जैसी वजह शामिल होती है। यदि सक्षम पदाधिकारी या प्रार्थिकारी यह मानता है कि कैदी के बाहर आने से समाज के हित में नहीं होगा तो उसे पैरोल नहीं दी जाती है। पैरोल भी दो तरह की होती है, एक कस्टडी पैरोल और दूसरा नियमित पैरोल। कस्टडी पैरोल में कैदी कस्टडी में ही बाहर आता है। यदि किसी से मिलना है तो भी वह पुलिस की मौजूदगी में ही मिलेगा। वहीं रेगुलर पैरोल में वह स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकता है। फरलो भी सजा के दौरान छुट्टी की एक व्यवस्था है। यह आमतौर पर सजा याफ्ता कैदियों के लिए होती है। फरलो कैदी का अधिकार होता है, यह उसे समय समय पर दिया जाता है। यह लंबी अवधि के कारावास के मामले में दिया जाता है। कभी कभी यह बिना किसी कारण के कैदी को अपने परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए और साथ ही सजा के नकारात्मक परिणाम कम करने के लिए भी दिया जाता है। हालांकि अगर जेल अधिकारी को लगता है कि कैदी का बाहर आना शांति के लिए खतरा है तो उसे फरलो नहीं दी जाएगी। फरलो जेल सुपरिटेंडेंट की राय के आधार पर ही दिया जाता है। फरलो साल में 14 दिन के लिए हो सकता है, हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।